हम देखते हैं कि अकुमो अपने साथ ड्रैगन बॉल्स को लेकर उन सभी एंजल्स के पास चला जाता है और कहता है, आखिरकार मुझे एक यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल्स मिल ही गए, अब मैं अपने सैयन वॉरियर्स को जिंदा कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एंजल्स अकुमो से कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। तुम यूनिवर्स के नियम के विरुद्ध काम कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अकुमो इसके बाद कहता है, तो अब तुम जैसे बेवकूफ एंजल मुझे यूनिवर्स के नियम सिखाएंगे? अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद सभी एंजल चुप हो जाते हैं और फिर अकुमो कहता है, तुम सभी मेरे वॉरियर्स को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाओगे और फिर उसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड का नियम मैं बनाऊंगा और मैं जो चाहूंगा सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। तभी उनमें से एक एंजल कहता है, हम तुम्हारी कोई भी और किसी भी काम में कोई मदद नहीं करेंगे, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। अकुमो ये बात सुनकर उस एंजल पर गुस्सा हो जाता है और की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिससे कि वहां पर एक खतरनाक धमाका होता है जिससे कि वो एंजल मारा जाता है। इसके बाद फिर अकुमो उन सभी से कहता है, क्या तुम में से किसी को भी कुछ कहना है तो उसका भी यही हाल होगा जो कि मैंने इसका किया है। अकुमो को ऐसा करते देख सभी एंजल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अकुमो से कुछ भी नहीं कहते हैं। अकुमो फिर ड्रैगन बॉल की मदद से ड्रैगन को बुलाने की तैयारी करने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिरेन अपने यूनिवर्स में होता है और वो काफी गुस्से में होता है और वो कहता है, मैं बस उस सैयन तक एक बार पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं हर चीज का बदला लूंगा, आज जो कुछ भी उसने किया है। जिरेन फिर यूनिवर्स 7 में जाने की तैयारी करने लगता है और उधर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा काफी परेशान होते हैं कि आखिर वो कैसे उस अकुमो को हराए जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था। वेजिटा गोकू से उस बारे में बात कर ही रहा होता है कि अचानक से उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे कहता है, मैं तुम्हें उसे हराने का रास्ता बता सकता हूँ लेकिन वो काफी मुश्किल है। गोकू और वेजिटा अचानक से वो आवाज सुन के काफी चौंक जाते हैं और गोकू कहता है, आखिर ये किसकी आवाज है? इसके बाद फिर से वो आवाज कहती है, ये मेरी जगह है। फिर वेजिटा कहता है, हम यहाँ पर खुद से नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर भेजा गया है और वो ग्रैंड प्रीस्ट थे जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है। इसके बाद वो आवाज कहती है, मैं ये सारी बातें जानता हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों मेरी ही जगह पर आए हो। फिर गोकू बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो उससे पूछता है, हे सुनो, तुम जो भी हो क्या तुम सामने आकर बात नहीं कर सकते? फिर उसके बाद वो आवाज कहता है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम लोग मेरे पास आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं लेकिन वो एक अजीब से इंसान के सामने खड़े होते हैं। गोकू और वेजिटा उसे देखकर कहते हैं, आखिर ये अजीब सा कोल मटोल जीव है क्या? इसके बाद फिर वो अजीब सा दिखने वाला जीव कहता है, मेरा नाम है मास्टर सुनो और मैं सब कुछ जानता हूँ। इसके बाद गोकू उससे पूछता है, तो क्या आप हमें उस अकुमो के बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि हम उसे कैसे हरा पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद मास्टर जूनो कहते हैं, तुम दोनों में से कोई भी उसे नहीं हरा सकता, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे हराने के लिए तुम्हें लाखों साल बिना रुके लगातार ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद वेजिटा और गोकू उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, उतने सालों तक हम ट्रेनिंग करने के लिए जिंदा भी नहीं बचेंगे और तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या आप हमें कोई और तरीका नहीं बता सकते? फिर मास्टर जूनो कहता है, एक तरीका है जिससे उसे हराया जा सकता है। गोकू खुश होकर कहता है, क्या सच में, आखिर वो क्या है? फिर जूनो कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी ऐसे ही नहीं बताने वाला हूँ, तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ देना होगा। फिर गोकू उससे कहता है, आखिर मैं आपको क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर जूनो कहता है, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे साफ साफ बताइए कि आपको क्या चाहिए। इसके बाद जूनो कहता है, मुझे तुम दोनों के बस थोड़े से बाल चाहिए। गोकू जूनो की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर उनसे कहता है, आखिर आप ये हमसे क्यों मांग रहे हैं, आप हमारे बालों का क्या करेंगे? इसके बाद जूनो कहता है, मुझे बस तुम दोनों के बाल चाहिए। फिर वेजिटा कहता है, कैकरोट, ये कैसा पागल जीव है, क्या ये कोई जादू टोना करने वाला है, ये ऐसी बेवकूफी भरी बातें हमसे क्यों कर रहा है? इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है वेजिटा, आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है, रुको मैं इससे कुछ और बात करता हूँ। फिर गोकू मास्टर जूनो से कहता है, मेरी बात सुनिए मास्टर जूनो, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको अपने प्लैनेट की सबसे स्वादिष्ट डिश खिलाएंगे जो कि सेनोसामा और ग्रैंड प्रीस को भी काफी पसंद आई है। फिर जूनो कहता है, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे बाल ही चाहिए।
अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। गोकू उनकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर उनसे कहता है, नहीं नहीं रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, हम दोनों आपकी बात मानने को तैयार है। इस पे वेजिटा काफी गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो कैकरोट, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम वाकई में इस बेवकूफ की बात पर विश्वास कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये हमारी कोई भी मदद कर सकता है। इसके बाद लॉर्ड जूनो उन दोनों से कहते हैं, इस बारे में तुम्हें ग्रैंड प्रीस से पूछना चाहिए कि उन्होंने तुम दोनों को आखिर यहाँ पर क्यों भेजा, क्योंकि वो अब तो रहे नहीं, तो इसके पीछे कोई खास वजह रही होगी, लेकिन तुम दोनों बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। इसके बाद फिर वेजिटा जूनो से कहता है, क्या आखिर आपको कैसे पता कि हमें ग्रैंड प्रीस ने यहाँ पर भेजा है, आप ये सब कैसे जानते हैं। फिर जूनो कहता है, मैंने कहा ना मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है और हमें इस जगह पे ग्रैंड प्रीस्ट ने कुछ सोच समझकर ही भेजा होगा। मुझे लगता है कि हम दोनों की मदद सिर्फ यही कर सकते हैं। गोकू के काफी समझाने के बाद वेजिटा आखिरकार मान जाता है और गोकू और वेजिटा दोनों अपने बाल का थोड़ा सा हिस्सा जूनो को दे देते हैं। इसके बाद फिर जूनो उन दोनों से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अकुमो को तुम दोनों कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि वो सभी सैयन का पिता है और वो सभी मल्टीवर्स पर रूल शुरुआत से ही करना चाहता था, लेकिन फिर भी अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें लाखों साल तक बिना रुके डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद गोकू कहता है, पर हम ये कैसे करेंगे। फिर जूनो कहता है, ये तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, तुम में से सिर्फ एक ही डायमेंशन में जा सकता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी वेजिटा नहीं झेल पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा होती है। फिर वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर इसका फायदा क्या होगा, अगर कैकरोट वहां जा सकता है तो वो कई सालों बाद ताकतवर होकर भले ही लौटेगा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, और हो सकता है कि उस समय तक अकुमो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। इसके बाद जूनो कहता है, मेरी पूरी बात सुनो वेजिटा, मैंने कहा अगर कैकरोट जाए तो, लेकिन वहां पर पहले से ही एक सैयन है जो कि कई लाखों सालों से वहां पर ट्रेनिंग कर रहा है और वो शायद ये काम कर सकता है। इसके बाद गोकू कहता है, क्या वाकई में कोई सैयन ऐसी जगह पर कई लाखों सालों से ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो आखिर है कौन। फिर जूनो कहता है, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, तुम दोनों मुझे अपना थोड़ा खून दोगे। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या ये सब क्या है, कभी तुम्हें हमारे बाल चाहिए, कभी हमारा खून, आखिर तुम इन सब चीजों का करना क्या चाहते हो। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। फिर वेजिटा कहता है, कैकरोट मुझे लगता है कि तुम भी इस जगह पे आने के बाद पागल हो गए हो। फिर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा हमें उसकी बात माननी होगी अगर हम सब कुछ पहले जैसा ठीक करना चाहते हैं तो। इसके बाद वेजिटा कहता है, ठीक है कैकरोट, मैं तुम्हारी बात समझ गया। और ये कहने के बाद वो दोनों आखिरकार जूनो को अपना थोड़ा खून भी दे देते हैं। फिर जूनो कहता है, जो इतने सालों से उस डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि पहला सुपर सैयन गॉड यामोशी है, और वो ही अकुमो को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा जूनो की ये बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर ये आप क्या कह रहे हैं, यामोशी तो मर चुका था, ड्रैगन ने हमें ये बताया था। फिर जूनो कहता है, नहीं यामोशी मरा नहीं था, बल्कि वो इतने सालों से ताकतवर बनने के लिए उस डायमेंशन गैप में लगातार ट्रेनिंग कर रहा है और अभी भी उसकी ट्रेनिंग जारी है। इसके बाद गोकू और वेजिटा कहते हैं, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या ड्रैगन की बातें झूठ थी। इसके बाद जूनो कहता है, ड्रैगन ने बिल्कुल सच कहा था, जब यामोशी सुपर सैयन गॉड बना तो वो ये चाहता था कि इस दुनिया में क्या हो रहा है उसे ये भी पता चलते रहे। वो एक प्योर हार्टेड सैयन था और वो 5 प्योर हार्ट सैयन की ताकत से मिलाकर बना था। उसके बाद वो 5 प्योर हार्ट सैयन उस लड़ाई में मारे गए, लेकिन यामोशी को सबसे ताकतवर बनना था, तो जब उसने ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके ड्रैगन से विश मांगी थी कि वो सबसे ताकतवर कैसे बने, तो ड्रैगन ने उसे डायमेंशन गैप के बारे में बताया था और वो ये चाहता था कि बाहरी दुनिया की भी उसे खबर रहे, तो उसने अपने एक सोल को बाहर छोड़ दिया, जिससे कि ड्रैगन को लगता था कि वो मर चुका है, लेकिन वो तुम्हारे साथ हमेशा था, गोकू जब तुम लॉर्ड बीरस के साथ लड़ते थे उस वक्त भी। इसके बाद गोकू कहता है, क्या इसका मतलब यामोशी का सोल। इसके बाद जूनो कहता है, हाँ गोकू तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, यामोशी का सोल तुम्हारे अंदर है और इसी के कारण तुम हमेशा हर बार काफी ताकतवर बन पाए, यहाँ तक कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी। गोकू ये सब सुनकर बहुत चौंक जाता है और उससे पूछता है, वो हमें कहाँ मिलेंगे, मुझे बताइए।
जूनो कहता है, मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इसके बाद गोकू जूनो से कहता है, मुझे ये बता दीजिए मैं उस तक कैसे पहुँचूंगा। जूनो कहता है, भूलो मत गोकू, तुम्हारे अंदर यामोशी की सोल है, तुम्हें अपने अंदर की गहराई में झांकना होगा, वो तुम्हें उस तक पहुंचा देगा। ये कह के जूनो वहां से चला जाता है। गोकू जूनो की बात सुन के काफी हैरान होता है और कहता है, यानी कि यामोशी का सोल हमेशा से मेरे अंदर है, मुझे यकीन नहीं होता। इसके बाद वेजिटा कहता है, केकारोट, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हमें उस तक पहुँचने का रास्ता ढूंढना होगा, पता नहीं आखिर वो कहाँ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है, ड्रैगन बाहर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 का ड्रैगन अकुमो के सामने आता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। इसके बाद अकुमो कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे सभी वॉरियर्स को जिंदा कर दो। ड्रैगन उसकी ये बात सुनकर कहता है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये कई हजारों साल पहले की बात है और कोई भी ड्रैगन इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकता सिवाय गोल्डन ड्रैगन के, लेकिन मैं तुम्हारे एक वॉरियर को जिंदा कर सकता हूँ, क्या तुम ये चाहते हो, तो बोलो, मेरे पास बस इतनी ही ताकत है। फिर अकुमो उस ड्रैगन से कहता है, ठीक है ड्रैगन, मैं चाहता हूँ कि तुम राइकॉन को रिवाइव कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन राइकॉन को रिवाइव कर देता है और वहां से चला जाता है, और हम देखते हैं कि उन सभी के सामने राइकॉन खड़ा होता है और सभी एंजल उसे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो एक सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था।